हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कम्यूटेशन रिलेशन लिखे थे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के लिए। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है हमारा, एल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। ठीक है, जहां पर r जो है वो पोजिशन वेक्टर और p जो है वो मोमेंटम है। तो जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो l का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस p होता है। ठीक है, तो r क्रॉस p से हम lx, ly एंड lz निकाल सकते हैं। ठीक है, lx, ly और lz के मान हम r क्रॉस p से निकाल लेंगे। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम एल एक्स, एल वाई और एल जेड को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में जो कम्यूटेशन रिलेशन हमने सॉल्व किए थे कुछ, कि एल एक्स, एल वाई के लिए हमने सॉल्व किया था, एल वाई, एल जेड के लिए हमने सॉल्व किया था और एल एक्स, एल जेड के लिए सेम रिलेशन होते हैं। ठीक है, आज हम सॉल्व कर रहे हैं कि एल स्क्वायर कोमा एल एक्स का मान जीरो होता है, यानी जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है वो अपने घटकों के साथ में क्या करता है, कम्यूट करता है। इसका मान हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर कोमा एल एक्स इक्वल टू जीरो। इसे हम एल डॉट एल लिख लेंगे कोमा एल एक्स ठीक है, या फिर हम इसे क्या लेते हैं, एल स्क्वायर। तो अब जो हमारे पास में एल एक्स के लिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो एल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम चाहे तो हम इसके लिए दो बार इसे सोल्व कर लें या फिर हम इसे एल स्क्वायर की फॉर्म रख के सोल्व करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर का मान रख दें एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर और इसका हम कम्यूटेशन रिलेशन देख रहे हैं एल एक्स के साथ में। ठीक है, तो एल एक्स के साथ में हमें इसका कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम हमारी जो फॉर्म थी हमने कुछ बीजक्रियाएं लिखी थी। ठीक है, तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स है। तो हमारे पास में अगर a प्लस बी प्लस सी कोमा डी हो तो इसे हम लिख सकते हैं a कोमा डी प्लस b कोमा डी प्लस c कोमा डी। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डी था तो a के साथ में b के साथ में d को और c के साथ में d को, ये हमारे कम्यूटेशन रिलेशंस आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई तो यहां से बन गया एल एक्स स्क्वायर कोमा एल एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस एल वाई स्क्वायर कोमा एल एक्स प्लस एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। तो एल एक्स स्क्वायर कोमा एल एक्स प्लस एल वाई स्क्वायर कोमा एल एक्स। तो पहले सबसे पहले हम सोल्व कर रहे हैं एल एक्स स्क्वायर कोमा एल एक्स को। तो एल एक्स स्क्वायर कोमा एल एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर कोमा एल एक्स है, इसे हम लिख सकते हैं एल एक्स। ठीक है, डबल
होम से लिख लिया एलएक्स डॉट एलएक्स, क्योंकि जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं अगर ए डॉट ए केप डॉट ए केप हो तो आप इसे क्या लिख सकते हैं ए केप का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ऑपरेटर का स्क्वायर है तो वो दो बार ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं एलएक्स का स्क्वायर है तो इसे हम एलएक्स डॉट एलएक्स लिख लेते हैं। तो एलएक्स डॉट एलएक्स और कोमा क्या रहेगा एलएक्स। तो ये क्या हो गया आपके पास में एलएक्स ए डॉट बी कोमा सी। इसको हम कैसे ओपन करते थे ए डॉट बी कोमा सी को हम ओपन करते हैं ए बी कोमा सी प्लस ए कोमा सी डॉट बी, यानी अगर हम ए को बाहर लेंगे तो इस साइड से और अगर हम बी को बाहर ले रहे हैं तो उस साइड से लेंगे। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ जाता है इसका मान आता है ए डॉट बी कोमा सी का। इसे हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एलएक्स एलएक्स कोमा एलएक्स प्लस एलएक्स कोमा एलएक्स और एलएक्स। ठीक है, और एलएक्स कोमा एलएक्स खुद का खुद के साथ में क्या होता है जीरो होता है कंप्यूटेशन रिलेशन, क्योंकि कंप्यूटेशन रिलेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है ए कोमा बी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन जो होगा वो खुद के साथ में हमेशा क्या होगा जीरो होगा और किसी कांस्टेंट के साथ में भी जीरो होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ए कोमा बी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, तो ये आ गया यहां पर दोनों सेम है एल एक्स एल एक्स, तो एल एक्स एल एक्स दोनों सेम हो गए तो वैल्यू क्या आ गई जीरो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जीरो प्लस एल एक्स या फिर प्लस जीरो इंटू एल एक्स, तो ये वैल्यू आ गई टोटल जीरो। तो एल एक्स स्क्वायर कोमा एल एक्स तो क्या हो गया जीरो हो गया। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं एल वाई स्क्वायर कोमा एल एक्स को। तो नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं एल वाई स्क्वायर कोमा एल एक्स इक्वल टू एल वाई स्क्वायर कोमा एल एक्स इक्वल टू हो जाएगा एल वाई डॉट एल वाई कोमा एल एक्स इक्वल टू एल वाई एल वाई कोमा एल एक्स प्लस एल वाई कोमा एल एक्स और एल वाई। ठीक है, एक बार हम एल वाई को इस साइड से कोमा ले रहे हैं और एक बार उस साइड से। अब हमें मान रखना है एल वाई कोमा एल एक्स का। ठीक है, यहां तक लिख लिया इसे
ठीक है, यानी एल वाई एल एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ एल एक्स एल वाई होगा, ठीक है, कि एल वाई एल एक्स जो होगा वो माइनस ऑफ एल एक्स एल वाई हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, माइनस का आयोटा एच कट एल जेड। तो ये वाली वैल्यू हम यहां रखते, तो ये हो जाएगा एल वाई माइनस का आयोटा एच कट एल जेड प्लस माइनस का आयोटा एच कट एल जेड एल वाई। तो इसे हम लिख लेंगे माइनस का आयोटा एच कट एल वाई एल जेड माइनस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, ठीक है, ये आ गया अपने पास में। यहां तक हो गया, यहां तक लिख लें। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसे माइनस को कॉमन ले लें, माइनस का आयोटा एच कट एल वाई एल जेड प्लस एल जेड एल वाई, ये आ गया अपने पास में। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। तीन टर्म्स थी अपने पास में, एल एक्स स्क्वायर कोमा एल एक्स, एल वाई स्क्वायर कोमा एल एक्स और एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स। तो थर्ड हम सॉल्व कर रहे हैं एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स को। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो साथ में रख लेना कि एल एक्स एल वाई जो होता है वो होता है अपने पास में आयोटा एच कट एल जेड, एल वाई एल जेड जो होता है इसका मान होता है आयोटा एच कट एल एक्स और एल जेड एल एक्स जो होगा आयोटा एच कट एल वाई। ठीक है, ये अपने पास में तीनों रिलेशन होते हैं। अगर हम इनका क्रम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स, ये क्या आ गया, वही एल जेड कोमा एल एक्स। ठीक है, और इसको हम रख देंगे एल जेड डॉट एल जेड कोमा एल एक्स। एल जेड को हमने कॉमन लिया, एल जेड कोमा एल एक्स प्लस एल जेड कोमा एल एक्स और एल जेड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास में। तो ये फिर से बन जाएगा एल जेड कोमा एल एक्स है, तो ये प्लस का आ गया आयोटा एच कट एल जेड एल वाई प्लस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड। ठीक है, इसमें से भी हम आयोटा कॉमन ले लें, एल जेड एल वाई प्लस एल वाई एल जेड। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। अब जो हमारे टोटल वैल्यूज हैं जिन तीन के लिए हमने सॉल्व किया है उसको हम वापस पुट कर दें जो हमारा फर्स्ट था। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर कोमा एल एक्स एल एक्स स्क्वायर कोमा एल एक्स प्लस एल वाई स्क्वायर कोमा एल एक्स प्लस एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स। ठीक है, ये अपने पास में सारे आ गए, एल एक्स स्क्वायर कोमा एल एक्स, एल वाई स्क्वायर कोमा एल एक्स और एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स। ठीक है, इसका मान जीरो, इसका मान अपने पास में माइनस का आयोटा एच कट एल वाई एल जेड प्लस का एल जेड एल वाई प्लस का आयोटा एच कट एल जेड एल वाई प्लस का
इसको लिख लें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आ गया अपने पास में एल स्क्वायर कॉमा एल एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसे हम कैसे निकालते हैं, आई के जे के
y, z, del x, del y, del z, ठीक है। तो इसका मान हमारे पास में क्या आ जाता है, इसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, एक बार फिर से लिखवा देती हूँ, फिर हम इसे p x p y और p z की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में आ जाता है i cap y del z माइनस का z del y माइनस का j cap x del z माइनस का z del x प्लस k cap, ये अपने पास में होता है x del y माइनस का y del x, ठीक है। तो यहां से अपने पास में lx का मान आ जाता है y del z माइनस का z del y, ठीक है। और ly का मान आ जाता है, ly का मान क्या होगा अपने पास में, z del x माइनस का x del z, और lz अपने पास आ जाता है x del y माइनस का y del x, ठीक है। ये अपने पास में तीनों वैल्यू आ गई। अब जो हमारा p ऑपरेटर होता है, p क्या होता है, माइनस का अल्फा h कैप del x, py अपना होता है माइनस का अल्फा h कैप del y, और pz अपने पास में होता है माइनस का अल्फा h कैप del z, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, y del z माइनस का z del y, ठीक है। तो इन्हें अगर हम p ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो यहां पर अपने पास में क्या चाहिएगा, अपने को आल्टा h कैप की जरूरत होगी। तो यहां से हम आल्टा h कैप अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें आल्टा h कैप से, ठीक है, आल्टा h कैप अपने पास में, एक मिनट, आल्टा h कैप हमने लिखा नहीं, से r cos p था तो r क्या आ गया x या फिर r, और इसके अंदर क्या आएगा cos माइनस का आल्टा h कैप del, यानी माइनस का आल्टा h कैप साथ में है इनके, ठीक है। तो यहां से अपने पास में माइनस आल्टा एच कट, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी माइनस का आल्टा एच कट, इससे मल्टीप्लाई कर दे हम अंदर, यानी ये सारे माइनस आल्टा एच कट से हमारे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो इस माइनस आल्टा एच कट को हम अंदर ले लें तो क्या आ जाएंगे, वाई माइनस का अल्फा एच कैप del z माइनस z माइनस का अल्फा एच कैप del y, या जाएगा अपने पास में z माइनस अल्फा एच कैप del x माइनस x माइनस का अल्फा एच कैप del z, ठीक है। यहां से हमें माइनस का जो अल्फा एच कैप है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनके साथ में, इक्वल टू x माइनस का अल्फा एच कैप del y माइनस y माइनस का अल्फा एच कैप del x, ठीक है। ये फॉर्म आ गई अपने पास में, इसको हम लिख सकते हैं px py pz की फॉर्म में। तो lx हो गया y px y pz माइनस का z py, ठीक है। ly हो गया अपने पास में z px माइनस का एक्स पी जेड, और एल जेड अपने पास आ गया एक्स पी वाई माइनस का वाई पी एक्स, ठीक है। एल एक्स
अब जब हमने इनको ये जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर और ये पोजीशन ऑपरेटर था इसकी फॉर्म में जब हमने इसको लिखा है LX, LY और LZ, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक कम्यूटेशन रिलेशन को सॉल्व किया था कि LX, LY इक्वल टू क्या होते हैं आल्टा एच कट LZ होते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने LX के ये मान रखे थे, ठीक है, LX और LY के हमने ये वाले मान रखे थे और उसके बाद में हमारा बड़ा सा एक सॉल्यूशन आया था। यहां से अगर हम इसको इस फॉर्म में रखें तो ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। अगर हम LX LY की जगह ये वैल्यू रखें YPZ माइनस ZPY, ठीक है, और कॉमा LX की जगह रख दें, ठीक है, LX का मान रख दिया और LY की जगह हम रख दें ZPX माइनस XPZ, ठीक है, ये हमने रख दिया। फिर इसको हम पूरे को A मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं B माइनस सी। जैसे अपने पास में A कोमा B प्लस सी को हमने ओपन किया था, A कोमा B प्लस A कोमा C, वैसे ही अगर बीच में माइनस होगा तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ गया वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई कोमा जेड पी एक्स माइनस वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई कोमा एक्स पी जेड, ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब हम वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, अब वापस से ये ए माइनस बी कोमा सी है, ठीक है, तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई पी जेड कोमा जेड पी एक्स माइनस जेड पी वाई कोमा जेड पी एक्स माइनस, इसको भी ओपन कर दें, वाई पी जेड कोमा एक्स पी जेड माइनस जेड पी वाई कोमा एक्स पी जेड। ये ध्यान रखना है हमें यहाँ पर पहले से माइनस था तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म्स आ गए अपने पास में सारी, ठीक है, यहां तक आ गया। अब हम इसमें देख सकते हैं, अब हम इसको सिंपलीफाई करें तो वैसे ये काफी बड़ा होता है कि वाई पी जेड, ठीक है, और जेड पी एक्स। तो एक बार हम क्या करेंगे, वाई को इधर से कॉमन लें और पी जेड को उधर कॉमन लें, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, ए बी कोमा सी डी की फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हर टर्म को b कोमा सी डी प्लस a कोमा सी डी, ठीक है, और फिर वापस से सी डी को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम यहां से देख सकते हैं कि y पी जेड और जेड पी एक्स है। अगर हमने y को बाहर लिया, ठीक है, y को हमने बाहर रखा तो क्या बनेगा, pz कोमा zpx बनेगा, ठीक है, और pz कोमा zpx। अब अगर हम नेक्स्ट टर्म के अंदर सिर्फ मैं इसकी बात कर रही हूं, अभी इसको मैं इधर ले लेती हूं कि हमारा ypz कोमा zpx है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं y pz कोमा जेड पी एक्स प्लस वाई कोमा जेड पी एक्स और पी जेड, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम इसे। फिर नेक्स्ट टर्म में हम इसे लिखेंगे वाई, अब हम जेड को ही बाहर ले रहे हैं, पी जेड कोमा पी एक्स, ठीक है, इसी की दो टर्म्स आएंगी प्लस वाई पी जेड कोमा पी एक्स और जेड, ठीक है, जेड को तो हमने यहाँ पर ले लिया था, यहाँ पर क्या आएगा, जेड और पी एक्स आ रहा है,
ठीक है, यहाँ पर हमने जेड को बाहर ले लिया, यहाँ पर पी एक्स को बाहर ले लिया। फिर अगले वाले में प्लस वाई जेड को बाहर लिया, तो ये हो गया वाई कोमा, इसमें वाई नहीं लिखना, पी जेड बाहर है तो जेड कोमा, ठीक है, यहाँ पर हमने जेड को बाहर लिया है तो ये आ गया पी एक्स, ठीक है, और ये हो गया पी जेड प्लस वाई कोमा जेड और ये बन गया पी एक्स पी जेड, ठीक है। ये टर्म्स आई इस वाले की, ये सारी आ जाएंगी अपने पास में, ठीक है। अब ये काफी लंबा हुआ है लेकिन हम इसे शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं जब अपने को इसका पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि पी जेड पी एक्स ये कम्प्यूट करते हैं, इसका मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में किस किस के मान आते हैं, एक्स कोमा पी एक्स का मान आता है, ठीक है, और वाई कोमा पी वाई का और जेड कोमा पी जेड का। आयोटा एचकेट आ रहा था तो यहां से अपने पास में क्या होगा, ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, ये जीरो हो जाएगी, वाई यहां पर चेक करते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू जीरो, पी जेड जेड इसका आयोटा एचकेट माइनस में आ जाएगा और ये वाली वैल्यू भी जीरो क्योंकि y px है, px के साथ में अगर x होता तो इसका मान आता और yz ये भी जीरो, तो सिर्फ किसका मान आया, माइनस का आयोटा एक्सपेक्ट px आया, ठीक है, बाकी सारे क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। तो यहां से हम अपने आप ही चेक कर लेंगे और साथ में क्या था, y था इसके, अब यहां पर हम खुद ही सॉल्व चेक करके देख लेते हैं कि जेड पी वाई जेड पी एक्स तो ओनली किसका मान आएगा, इसमें किसी का भी मान नहीं आएगा क्योंकि जेड के साथ में जेड का भी नहीं आएगा, पी वाई के साथ में जेड का भी नहीं आएगा, जेड के साथ पी एक्स का भी नहीं आएगा और पी वाई के साथ में पी एक्स का भी नहीं आएगा, ये कंप्लीट जीरो होगा। इसके अंदर यहाँ पर y पी जेड और x पी जेड है, यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि पी जेड के साथ में हमें z चाहिएगा, ये भी कंप्लीट जीरो होगा। इसके अंदर अगर हम देखें तो z पी वाई और x पी जेड है तो सिर्फ एक मान आएगा जब z पी जेड साथ होंगे, ठीक है, तो इसका हम मान निकाल लेंगे। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी फिर से अपने पास में ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये सारी इसका मान आया और इसका हमने निकाल लिया, अब हम इससे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से जब हम इससे और सॉल्व करते हैं तो इसको एक बार सॉल्व करके देखना, जैसे हमने इसको सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये अपनी टर्म आ जाएगी आयोटा एक्सपेक्ट, ये अपना वाई पी एक्स आ गया, एक्स पी वाई आएगा, ठीक है, और आयोटा एक्सपेक्ट को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा एक्स पी वाई माइनस का वाई पी एक्स, ठीक है, आयोटा एक्सपेक्ट एल जेड, यानी एल एक्स एल वाई का हमारे पास क्या होता है, आयोटा एक्सपेक्ट एल जेड होता है। तो ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है इनमें सिर्फ हमें ये चेक करना है कि अगर एक्स पी एक्स वाई पी वाई और जेड पी जेड इनकी जोड़ी अगर हमारे पास में आ रही है तभी उनका मान आएगा, बाकी सारे जीरो होंगे। तो जो भी मेथड इजी लगे उससे एक बार सॉल्व करके देख लेना, पिछले वाले में हमने सॉल्व किया था इसे, और एक बार इसको रख के देख लेना, अगर ये आपसे सॉल्व हो जाए तो इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे।